बेगूसराय जिले के तिघरा ब्लॉक के फील्ड नंबर 18 के जिला परिषद सिकंदर अली ने डीलरों के खिलाफ मिल रही शिकायत पर डीलरों से कहा कि इस लॉकडाउन जैसे इमरजेंसी में जितने भी लोगों का राशन कार्ड पर नाम है उन सभी को पूरा राशन दिया जाए, यही सीएम साहब की भी हिदायत है। और साथ ही उन्होंने डीलरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इसके बावजूद भी अगर किसी डीलर के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अपने आवाम को लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज और साफ सफाई का खास ख्याल रखते हुए अपने घरों पर ही रहने के लिए कहा। पेश खिदमत है मोहम्मद आसिफ की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 18 प्रखंड तेघड़ा जिला बेगूसराय। इस कोरोना जैसे महामारी और लॉकडाउन में भी जनवितरण प्रणाली सरकार के दुकानदार डीलरों द्वारा हो रही धांधली बेईमानी की लगातार शिकायत लोग मुझसे कर रहे हैं, इसलिए मैं यह वीडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र वासियों तक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया का सहारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सरकार की लॉकडाउन का मैं पालन कर रहा हूँ, इसलिए डोर टू डोर मैं आपके पास नहीं जा सकता। मुझे लोगों का शिकायत यह मिल रहा है कि डीलर द्वारा जहाँ 10 आदमी का नाम है उनको 5 आदमी का राशन दिया जा रहा है, जहाँ 14 आदमी का नाम है उनको 9 आदमी का राशन दिया जा रहा है, जहाँ 7 आदमी का नाम है उनको 3 आदमी का राशन दिया जा रहा है। और उनसे ये कहा जाता है कि आपका मशीन में कंप्यूटर में इतना ही आदमी का नाम शो कर रहा है। मैं आपको यह कह देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार द्वारा पेपर में मीडिया के माध्यम से कहा गया है कि जितना राशन कार्ड में लोगों का नाम है वो सब राशन दुकानदारों से ले, डीलर से ले। मेरा आपसे ये कहना है कि डीलर की बात में बिल्कुल ना रहें, आपका राशन पूरा का पूरा सरकार उनके पास भेजते हैं और यह लोग आपसे बेईमानी करते हैं। बेईमानी ये करते हैं कि आपको ये जो कहते हैं कि कंप्यूटर में इतना ही आदमी का नाम शो कर रहा है इसलिए आपको इतना ही राशन मिलेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। 10 आदमी का अगर आपका नाम है तो उनके पास 10 आदमी का राशन गया है, अगर राशन कार्ड में 7 आदमी का नाम है तो उनके पास 7 आदमी का राशन गया है। इसलिए आप जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करें और डीलर के पास जा करके अपने वाजिब हक, अपने वाजिब राशन को लें। साथ ही साथ मैं डीलर भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप कम से कम इस लॉकडाउन में भी, इस परिस्थिति में भी तो सुधरिए, बेईमानी मत करिए, ईमानदारी लाइए। इस घड़ी में लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सहारा बन रहे हैं और आप जो हैं कि बेईमानी पर तुले हुए हैं। मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि क्षेत्र के जिला परिषद होने के नाते मैं ईमानदारी से सब दिन रहा हूं, इसलिए आपकी बेईमानी को मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। मैं आपकी बेईमानी को, अगर आप नहीं सुधरे तो मैं जनता का स्टेटमेंट लेकर, उनका लिखित शिकायत लेकर, फैक्स, ईमेल, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से मैं सीएम साहब के आईडी पे भेजूंगा, मैं डीएम साहब के आईडी पर भेजूंगा। अगर वो नहीं सुनते हैं तो मैं आप लोगों के विरुद्ध इस लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग की ख्याल करते हुए मैं आपके विरुद्ध धरने पर बैठूंगा और तब तक मैं धरने पर से नहीं उठूंगा जब तक आपका लाइसेंस रद्द नहीं हो जाता है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप जो गरीब गुरबा का जो उनका हक है, जो उनका हक का राशन सरकार आप लोगों तक पहुंचाया है, आप उनको दे दें, अन्यथा आप सोच लीजिए कि क्या होगा।
और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, सरकार की लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन लगाएं, समय समय पर हाथ धोएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना जाएं, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।